चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं, कहते कहते ही चुप हो जाता हूँ मैं। क्या यही प्यारे हैं, क्या यही प्यारे हैं, हाँ यही प्यारे हैं, हाँ यही प्यारे हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जो कि आपका एक्सरसाइज 1.2 है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके कंसेप्ट के लिए। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने प्रॉब्लम नोट कर लिया है, राइट, जो कि परफेक्ट क्यूब से है, राइट, एक्सरसाइज 1.2 का, राइट। तो हमें बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है, ये सभी परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, राइट। तो एक एक करके हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो सबसे पहले किससे लगा दिया था, देखो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से लगाते हैं, 3 से लगाते हैं, 5 + 2 7, 7 + 1 8। तो ये देखो, ये इससे 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसका जो जब भी मैं ऐड किया, जब सम किया मैंने, तो ये क्या हो रहा है, 8 आ रहा है। 8 जो है वो 3 के टेबल में आता नहीं है, तो 3 से नहीं जाएगा, डायरेक्ट 5 से लगाते हैं, ठीक है। तो 5 से कितने जा में जाएगा, 25, 5 जा में। अगेन 5 से लगा देते हैं, कितने जा में जाएगा, 5 जा में। अगेन 5 से लगाते हैं, कितने जा में, 1 जा में। तो मैंने क्या कहा है आपको कि इसको तब तक आपको ब्रेक करना है जब तक कि नीचे में 1 नहीं आ जाए, क्लियर है। तो ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, राइट। तो चलो 125 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 × 5 × 5, क्लियर है। देखो 5 × 5 × 5, ये मैंने ये क्या कर लिया, इसका ये जो मल्टीपल आया उसको मैंने लिख लिया, राइट। अब हम एक काम करते हैं, इसका पेयर बनाते हैं। तो याद रहे, सेम नंबर के साथ पेयर बनेगा, इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो देखो 5 5 5, ये तीनों एक जैसे नंबर है, तो ये पेयर बन गया। और याद रहे, क्यूब में जब भी परफेक्ट क्यूब निकालते हैं हम लोग, तो तीन तीन का पेयर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। सेम नंबर 3 टाइम होने चाहिए, क्लियर है। तो ये पेयर बन गया, इसका मतलब कोई छूट भी नहीं रहा, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 125 है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 125 क्या इज परफेक्ट परफेक्ट क्यूब नंबर। बातें समझ में आ गई, क्यूब नंबर कुछ इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अगर ये पूछता क्वेश्चन, देखो अभी क्वेश्चन बस इतना पूछा है कि आप मुझे बताओ कि ये 125 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो है। लेकिन क्वेश्चन अगर ये भी पूछता है कि 125 कौन से नंबर का परफेक्ट क्यूब है, तो देखो एक यहाँ पे अभी एक ही पेयर बना है, तो केवल 5, एक पेयर में से एक नंबर को बाहर निकाल के लेके आओ, तो केवल 5 आएगा। तो यानी कि ये जो 125 जो है परफेक्ट क्यूब नंबर, ये 5 का है, क्लियर है। तो 5 वो नंबर ऐसा है जिसको ये 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो 125 आएगा, क्लियर है। ये था, तो ये परफेक्ट क्यूब हो गया। अब 800 को देखते हैं, क्लियर है। अब 800 को हम लोग देख रहे हैं, क्लियर। चलो तो यहाँ पे देखो, हम लोग 2 से पहले लगा देते हैं, क्योंकि वंस प्लेस पे 0 है। ओके चलो, क्या हो जाएगा, 400 होगा। अगेन 2 से लगाते हैं, कितना होगा, 200। अगेन 2 से लगाते हैं, कितना होगा, 100। अगेन 2 से लगाते हैं, कितना होगा, 50, राइट। अगेन 2 से लगाते हैं, कितना होगा, 25। अगेन 5 से लगा देते हैं, 5 5 सा, अगेन 5 से लगा देते हैं, 1 जा में। इसको ब्रेक तब तक करना है जब तक कि नीचे में 1 नहीं आ जाए, ठीक है। 800 को क्या लिख सकते हैं, देखो जरा, 800 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 2 3 4 5, 5 × 2 और 5 × 5, 1 को नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, देखो 1 2 3 4 5 बार लिख लिया, मल्टीप्लाई मैं नीचे में लिख दे रहा हूँ, 5 × 5, ठीक है, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है, तो इसलिए मैं नीचे लिख दिया, ठीक है, 5 × 5। अब देखो, अब पेयर बनाने की बारी आ गई। तो पेयर जब बनाएंगे तो तीन तीन का पेयर बनाते हैं। तो देखो ये 2 का पेयर बन गया, 1 1 2 3 तो 2 है, तो बन गया। अब देखो जरा, ये 2 का पेयर नहीं बन पाया, क्यों, क्योंकि ये 2 ही ठो है, क्लियर है। केवल एक और 2 रहता तो पेयर बन जाता है। उसी तरह 5 का भी नहीं बन पाया, है ना, 5 का भी नहीं बन पाया, 2 का भी नहीं बन पाया। इसका मतलब क्या हो गया, 800 जो है इज नॉट परफेक्ट, है ना, परफेक्ट क्यूब,
बातें समझ में आ गई, क्यूब नंबर ऐसे लिख देना है, ठीक है, ये हो गया। अब 729 को ले लेते हैं, तो 729 इसको भी हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो 729, चलो देखो 2 से तो जाएगा नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, 3 से सोचते हैं। तो देखो 9 और 7 + 2 9, तो 9 + 9 कितना, 18 हो जाएगा। अगर इन तीनों नंबर को जोड़ दिया जाए आपस में तो 18 होगा, ठीक है, 18 हो जाएगा। 18 दैट मीन्स 18 होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है, ये 729। चलो 3 से लगाते हैं, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा, अगेन फिर से ऐड कर लेते हैं, 4 + 3 7, 7 + 2 9, फिर 3 से जाएगा ये, ठीक है। तो 3 8 जा 24 और ये 1 जा, अगेन 3 से जाएगा ये, 3 3 2 जा 6, क्लियर है, 3 2 जा 6, अगेन कितना, 2 1, तो 27 में जाएगा, क्लियर है, 7 जा में, क्लियर। तो अगेन 3 से लगाओ, 3 3 9 जा 27, अगेन 3 से लगाओ, 3 3 जा, राइट, अगेन 3 से लगाओ, 1 जा में। मैंने कहा था ना इसको तब तक ब्रेक करना है जब तक कि नीचे में 1 नहीं आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया, आप क्या लिखोगे 729 को, क्या लिखोगे आप, देखो 3 कितनी टाइम आया है, 1 2 3 4 5 6 टाइम आया है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, क्लियर है। अब बारी आती है पेयर बनाने की, अगर पेयर बन गया, और याद रहे सेम नंबर का सेम नंबर के साथ पेयर, और तीन तीन होंगे, क्यों, क्योंकि क्यूब निकाल रहे हैं हम लोग, क्यूब निकाल रहे हैं, परफेक्ट क्यूब। तो देखो 3 3 3 ये एक पेयर हो गया, ये 3 3 3 एक पेयर हो गया, बातें समझ में आई। तो ये क्या हो गया, पेयर बन गया, कोई छूट नहीं रहा। इसका मतलब क्या है कि 729 इज, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इज परफेक्ट क्यूब नंबर। तो इसको पी मतलब परफेक्ट, सी मतलब क्यूब, एन मतलब नंबर, पी सी एन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, परफेक्ट क्यूब नंबर, समझ में आया। अगर यही क्वेश्चन ये पूछता कि मुझे आप बताओ कि ये 729 कौन से नंबर का है परफेक्ट क्यूब नंबर, तो देखो एक पेयर में से एक नंबर को बाहर निकालो, समझ में आया, एक पेयर में से एक नंबर को बाहर निकालो, तो क्या यहाँ से 3 निकला, और इसमें से भी एक नंबर को बाहर निकालो, यहाँ से 3, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया, 9। तो 9 9 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 729 आ जाएगा, बातें समझ में आई। लेकिन क्वेश्चन केवल यही पूछ रहा था कि 729 को बताओ कि परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है, तो 729 परफेक्ट क्यूब नंबर है, लेकिन किसका है, तो 9 का है, ये भी आपने जवाब दे दिया, ओके। अब प्रॉब्लम नंबर 4 पे आते हैं, चलो देखो क्या लिखा हुआ है, 2744, राइट। अब इसका हम लोग सेम वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, चलो कर देते हैं फिर, क्या ये 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और ये 2 2 जा, अगेन 2 से लगेगा, यस 2 से जाएगा क्योंकि वंस प्लेस पे 2 है, 2 6 जा 12, अगेन क्या आ गया, 1 और 7 17 आ गया, राइट। तो 2 8 जा 16 और 1 2 6 जा 12, क्लियर है, अगेन 2 से लगा देते हैं, ठीक है। चलो 2 3 जा 2 4 जा 2 3 जा, हो गया, तो 3 4 3 आ गया। अब देखो अब इस सब को ऐड करके देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो देखो 4 + 3 7 और 7 + 3 10, तो 10 जो है वो 3 के टेबल में आता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सोचना पड़ेगा कि कौन से ऐसे टेबल से लगाया जाए कि ये चला जाए। तो एक बार 7 से हम लोग ट्राई करते हैं, 7 से 343 को ट्राई करते हैं, ठीक है। तो देखो 7 का 7 5 जा तो 35 हो जाएगा, तो 7 4 जा में लगाते हैं तो 28 होगा, क्लियर है। अब देखो ये बाजू वाले से लिया तो 14, 14 में से 8 गया, 14 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, 6, और ये 3 बच गया, ये 3 नीचे आ गया, ये तो कैंसिल हो गया, 2 में से 2 गया कैंसिल। अब देखो 7 9 जा, तो देखो 49 में जा रहा है, 7 से ये 49 में, अगेन ये 7 से जाएगा कितने जा में, 7 जा में, अगेन ये 7 से जाएगा कितने जा में, 1 जा में, बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब चलो इसको क्या लिखोगे आप, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि जगह बचे, ठीक है ना, देखते चलना, मैं इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ ताकि आपको पांचों क्वेश्चन एक जगह पे आपको मिल जाए, ठीक है, यहाँ पे मैं बनाते रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो जरा 2744 ये मैंने लिखा, 2744, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, क्लियर है। अब क्या रह गया, अब बस मुझे ये रह गया पेयर बना देना है। तो ये देखो
यहाँ पे मैंने 3 डिजिट दिख रहा है एक जैसा, तो पेयर बन गया। 7773 टाइम दिख रहा है, पेयर बन गया। क्लियर है? तो क्या है ये पेयर बन गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये 2744 इज PCN, यानी कि परफेक्ट क्यूब नंबर। बातें समझ में आ गई? ठीक है, अब प्रॉब्लम नंबर 5 को देख लेते हैं। ठीक है, चलो प्रॉब्लम नंबर 5 भी लगे हाथ देख लेते हैं फटाफट। देखो क्या दे रखा है, 2200। क्लियर है? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फटाफट आपको याद रखना है। ठीक है, चलो 2 से लगाते हैं, 1100। क्लियर है? अगेन 2 से लगा देते हैं। ठीक है, 2 से क्या होगा, देखो 2 5 जा 10, फिर क्या होगा, फिर 5 जा में 10, ये चला गया। अब 0 0। क्लियर है? अगेन किससे लगाओगे, 2 से, 2 2 जा 2 2 जा 4, अगेन 1 5 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 7 जा 14, अगेन 2 5 जा, क्लियर है, 10। ठीक है, अगेन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जब तक वंस प्लेस पे 0 रहेगा तब तक ये 2 से तो जाएगा ही जाएगा। तो देखो 2 1 जा, अगेन 2 3 जा 6, राइट, और 1 5 15, तो 2 7 जा 14, और फिर 1 0, 2 5 जा। अब ये नहीं जाएगा किससे, 2 से नहीं जाएगा। क्लियर है? अब सोचो जरा किससे जाएगा, 7 प्लस 5 12। ठीक है, 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 1 16 हो गया, राइट। तो ये 3 से भी नहीं जाएगा, तो सीधा 5 से लगा देते हैं। तो 5 2 जा 10, अगेन 5 7 जा 35, राइट, अगेन 2 और 5 आ जाएगा, राइट, क्योंकि 37 में से 35 जाएगा, तो 2 और 5 बचेगा 25, तो 5 5 जा 25। क्लियर है? अगेन 2 से लगाते हैं, 2 1 जा 25 जा। क्लियर है? अगेन 2 से लगाते हैं। ठीक है, नहीं वेट वेट वेट, यहाँ पे 5 से, ये 5 से ही जाएगा, मैं गलती से यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, चलो एक मिनट ना, एक मिनट सुधार करते। हाँ चलो देखो, तो यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग 3 से भी चेक कर सकते हैं। देखो 7 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 2 14 होगा, ये तो जमेगा नहीं। ठीक है, 5 से ही जाएगा, तो देखो 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25। क्लियर है? अगेन 5 से जाएगा, 11 जा में। क्लियर है? अगेन ये 11 जाएगा, 1 जा में। क्लियर है? तो देखो 1 जा तक हम लोग को करना ही करना है। ठीक है, अब चलो इसका देखो, 2 2 000 का क्या होगा, देखो 2 2 000 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 4 टाइम 2 आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। क्लियर है? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 3 टाइम 5 आया, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। क्लियर है? और मल्टीप्लाई क्या आया, 1 टाइम 11 आ गया। क्लियर है? अब देखो, अब पेयर लगाने की बारी आती है। ठीक है, पेयर लगाने की बारी आती है, मैंने इस क्वेश्चन का यहाँ पे बनाया है। ठीक है, चलो तो देखो पेयर लगाते हैं। अब देखो ये 2 का तो लग गया पेयर, ये 5 का पेयर लग गया, लेकिन ये देखो ये 2 बच गया और ये 11 बच गया, तो पेयर एक भी बचा चाहे दो भी पेयर बच गया, तो समझ लेना कि ये जो है नंबर, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, यानी कि 2200 इज नॉट PCN, परफेक्ट क्यूब नंबर, नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, अब लास्ट बच गया 832। क्लियर है? तो चलो 832 लास्ट बचा है, इसको भी कर लेते हैं फटाफट। चलो 2 से लगा देते हैं, 2 4 जा हो गया 8। ठीक है, 2 4 जा 8, अगेन क्या हो जाएगा, ये 16 2 जा 32 होता है। अगेन फिर 2 से लगाते हैं, 2 2 जा, और ये 0 हो गया, और ये हो जाएगा 2 8 जा। ठीक है, अगेन 2 से लगाते हैं, 2 1 जा, ठीक है, और ये 0, और ये क्या हो जाएगा, 4। क्लियर है? अगेन 2 से लगाते हैं, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, और 2 2 जा। क्लियर है? अगेन 2 से लगाते हैं, 2 से 2 2 जा 4। क्लियर है? और 2 6 जा 12। ठीक है, अगेन हम यहाँ पे 2 से लगा देते हैं। ठीक है, तो 2 13 2 जा 26, अगेन यहाँ पे 2 से तो नहीं जाएगा, डायरेक्ट 13 से लगा देते हैं, 1 जा तक। ठीक है, तो ये इसका कुछ इस तरह से आया। ठीक है, तो चलो इसका भी लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या आएगा, देखो 832 को क्या लिखेंगे हम लोग, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, माई गॉड, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 है और 1 टाइम 13 है। ठीक है, तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 लिख लिया मैंने।
ठीक है। आई होप कि आप को हो सकता है छोटा दिख रहा हो, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझना आप, ठीक है। तो देखो अब मैं पेयर लगा रहा हूँ, ये रहा पेयर, ठीक है, तीन का पेयर, ठीक है, और ये रहा फिर टू का भी पेयर, ठीक है। तो ये टू जो है थ्री टाइम है, ये भी टू जो है थ्री टाइम है। तो देखो इसका और इसका पेयर लगा, लेकिन थर्टीन का ये पेयर नहीं लग पाया, एक भी पेयर नहीं लग पाया। तो समझ जाना आप कि ये क्या हो जाएगा, जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा। तो इसका मतलब 832 इज नॉट PCN, यानी कि परफेक्ट क्यूब नंबर। बातें समझ में आ गई। तो ये था सॉल्यूशन आपका किसका, इसका, क्लियर है, इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। इसका यह था, यहाँ पे इसका ये है, ठीक है। तो आई होप कि आप जैसे जैसे मैं बनाया होऊंगा वैसे वैसे आप यहाँ पे देखते गए होंगे, राइट। तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, राइट, यस। तो अब आशा करता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड वंदे मातरम।